हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में एक नए टॉपिक पर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक। टॉपिक का नाम है बेटा सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे का क्या मतलब होता है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए क्लास को। इसका मतलब क्या है, सर्कुलेटरी मींस परिवहन और पाथ वे हृदय से निकलने के बाद रुधिर कहां जाता है। क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के पैटर्न है हमारे पास, यानी इस पूरे टॉपिक का जो बेसिस है वो ये है कि पंपिंग ऑर्गन हार्ट से जब ब्लड फ्लो किया गया तो कहां पे जाता है। टू टाइप ऑफ पैटर्न्स आर प्रेजेंट। जितने भी हमारे पास या एनिमल किंगडम में जिनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है उनमें दो प्रकार का सर्कुलेटरी पाथवे होता है। टू टाइप ऑफ पैटर्न्स आर, अब वो कौन से दो पैटर्न है। एक होता है बेटा ओपन पाथवे और दूसरा होता है क्लोज पाथवे। खुले प्रकार का परिवहन और बंद प्रकार का परिवहन। अब ये खुले और बंद से क्या मतलब है, जरा ध्यान दीजिए। पहले पैटर्न पर बात करते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, खुले प्रकार का परिवहन व्यवस्था। इसमें क्या होता है, ब्लड हृदय से चलने के बाद शरीर में या देह गुहा में बड़े बड़े कक्ष होते हैं, चेंबर जैसी रचना होती जिनको हम साइनस कहते हैं, उनमें जाता है। देखो एनिमल किंगडम जब आपको पढ़ाया गया था उस समय मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी पाथवे इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड द ओपन एंड अदर इज कॉल्ड क्लोज टाइप। इफ ब्लड इज सर्कुलेटेड विद इन द आर्टरी एंड वेन्स और द वेसल्स देन दैट टाइप सर्कुलेशन इज कॉल्ड क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन। और यदि ब्लड आर्टरी वेन्स यानी धमनी और सिराओं में ना बहे, शरीर में उपस्थित बड़े बड़े कोटर या साइनस में फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं ओपन टाइप। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो थ्रू ओपन स्पेस कॉल्ड साइनस। ध्यान दें, ब्लड फ्लो द साइनसेस आफ्टर द पंपिंग ऑफ ब्लड बाई हार्ट। हृदय से रुधिर के पंप होने के बाद ये देह गुहा में उपस्थित साइनस में
फ्लो करता है। कैसे, जरा देखिए, जैसे ये कोई एनिमल है, कॉकरोच है बेटा, ये इसका बॉडी है इस तरीके से। ये उसका जो बॉडी कैविटी है, जो देहगुहा है, वो इस तरीके से तीन कक्ष या साइनस में बटी हुई है। जो ऊपर वाला है, इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस, इसे कहते हैं पेरी विसरल साइनस, और नीचे वाले कक्ष को कहते हैं पेरी न्यूरल साइनस। इस एनिमल मींस आर्थ्रोपोड में वेसल्स नहीं है, रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। अब क्या हो रहा है, ऐसे इसमें ये 13 चेंबर हार्ट होता है, एस, यहां पर ये ऑस्टियम होते। अब ब्लड क्या करना, ब्लड यहां से चला, सपोज करो ये ब्लड यहां पर, पेरिलिम्फ कहते हैं इसको, ब्लड नहीं बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स में, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब यहां से इन से ब्लड यहां पर हार्ट में आया, अब हार्ट ने पंप किया, फ्लो कैसा है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड है, यहां आया, बॉडी के सभी आगे वाले पार्ट्स में गया, और यहां से फिर वापस आ गया। तो चूंकि हृदय से ब्लड पंप होने के बाद वेसल्स में नहीं गया, धमनी और शिराओं में नहीं गया, रक्त नलिकाओं में नहीं गया, इन साइनसिस में गया, शिरा पात्रों में गया, तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन। अब बेटा नीट में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन फाउंड इन, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहां पर मोलस्क, और मोलस्क के साथ साथ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, तो ये बात पहले पैटर्न की समझ में आई कि ये होता है हमारा ओपन टाइप आप सर्कुलेटरी पाथवे। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज टाइप की। अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड पंप बाय द हार्ट इन क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इस प्रकार के परिवहन में रक्त के द्वारा, हृदय के द्वारा पंप किया गया रक्त नलिकाओं के अंदर फ्लो करता है, और इन नलिकाओं को हम धमनी या सिरा या रक्त नलिकाएं कहते हैं। ब्लड पंप बाय द हार्ट इज क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स लाइक द एनिलिड्स एंड वर्टिब्रेट्स। एनिलिड्स में और जितने भी हड्डी वाले जंतु होते हैं जिनमें वर्टेब्रल कॉलम पाई जाती है, रीढ़ रज्जू पाई जाती है, उन सभी में क्लोज टाइप होता है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। जैसे बेटा हम मान लेते हैं
कि ये हार्ट है। इस तरीके से ये हार्ट है, बड़े ध्यान से समझेंगे बात को। ऐसे सपोज करो ये कोई फोर चेंबर्ड हार्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड इस तरीके से राइट आर्टरी में कलेक्ट किया जा रहा है, इधर से भी कलेक्शन हो रहा है। अब ब्लड बेटा यहां पे आया, यहां से इधर आया और अंत में ब्लड यहां पे आ गया और यहां से वेसल्स निकलती है। अब इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड कहां गया? लंग्स में गया। लंग्स में ब्लड को प्यूरिफाइड किया गया, ऑक्सीजनेटेड किया गया। अब ये फिर से वेसल्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आया, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से वेसल्स के थ्रू हार्ट से बाहर आएगा। ऐसे और आ करके ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगा। ये बॉडी है और यहां से फिर से ये डी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और डी ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद कुछ हिस्सा एंटीरियर वेन केवा और कुछ पोस्टीरियर वेन केवा के द्वारा फिर से हार्ट में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार जब किसी हार्ट के थ्रू ब्लड को इन वेसल्स में या रक्त नलिकाओं में भेजा जाता है तो इस प्रकार के परिवहन व्यवस्था को, इस प्रकार के सर्कुलेटरी पाथ को बेटा हम क्या कहते हैं? क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और ये क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है एनिलिड्स और वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स में। अब बेटा अगले राउंड में यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ये होते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में जो वर्टिब्रेट्स, क्योंकि सभी वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स होते हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ऑल वर्टिब्रेट्स पोसेसेस अ मस्कुलर चेंबर्ड हार्ट। जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उन सभी में एक पेशीय हृदय पाया जाता है। अब पहली बात आती है कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है? फिश आती है, एम्फीबियंस यानी उभयचर आते हैं, रेप्टाइल्स सरीसृप, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, बर्ड या एविस मैमल्स और स्तनी। कॉर्डेटा की अंतर्गत केवल इतने ही ऐसे हैं जिनमें वर्टेब्रल कॉलम पाई जाती है और इनमें ही मस्कुलर हार्ट उपस्थित होता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि मछलियों में हृदय के कक्षों की संख्या होती है, हाउ मेनी चेंबर्ड। ध्यान रखें, टू चेंबर्ड, एम्फीबियंस में थ्री चेंबर्ड, रेप्टाइल्स में थ्री चेंबर्ड, क्रोकोडाइल्स में फोर चेंबर। हालांकि क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, सरीसृप है, लेकिन बेटा ये जो है
ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। ध्यान रखें कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, लेकिन इसमें फोर चेंबर हार्ट है। इसके बाद बर्ड की बात करें तो बर्ड के हृदय में भी फोर चेंबर हैं, मैमल्स में भी फोर चेंबर हार्ट पाए जाते हैं। तो पहले राउंड के जो क्वेश्चन थे वो आपके यहां पर बेटा क्लियर होते हैं। नंबर ऑफ चेंबर्स, यहां पर थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, यहां पर आ जाएगा टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स, यहां पर आ जाएगा पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ चेंबर इन हार्ट। तो फिश में टू चेंबर, एम्फीबियंस में थ्री चेंबर, रेप्टाइल्स में थ्री चेंबर, क्रोकोडाइल में फोर चेंबर, बर्ड में फोर चेंबर, मैमल्स में फोर चेंबर। अब इन टू चेंबर में कितने एट्रिया हैं और कितने वेंट्रिकल्स हैं, यानी अलिंद की संख्या, वेंट्रिकल यानी निलय की संख्या कितनी है। तो यहां पर फिश में एक अलिंद एक निलय, वन आर्किल और वन वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो टू आर्किल वन वेंट्रिकल, एम्फीबियंस में भी टू आर्किल वन वेंट्रिकल्स, रेप्टाइल्स में टू आर्किल वन वेंट्रिकल्स, बाकी सभी में बेटा टू आर्किल टू वेंट्रिकल्स आए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस छोटी सी टेबल के द्वारा किसी भी वर्टिब्रेट्स में उपस्थित मस्कुलर चेंबर की संख्या, साथ ही साथ उसमें उपस्थित अलिंद और निलय की संख्या आसानी से जान सकते हो बिना किसी परेशानी के। तुरंत डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहां पे सॉल्व होगा। बच्चों एक बार हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं कि जैसे अभी मैंने क्या कहा, मैंने आपसे यह कहा कि फिश में टू चेंबर हार्ट होता है, एक ये एट्रिया अलिंद और दूसरा बेटा ये वेंट्रिकल। अब यहां पर एक बात और समझ लें, ट्रंकस आर्टियोसस और साइनस वेनोसस, ये दो अतिरिक्त रचनाएं मिलेंगी आपको, आगे इनके काम बताऊंगा मैं आपको। साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस, महाधमनी और शिरापात्र, ये शिरापात्र है और ये महाधमनी कह सकते हो, ट्रंकस आर्टियोसस। रेप्टाइल एम्फीबियंस और पिसिस, महावर्ग मत्स्य, पाइसिस में और एम्फीबियंस, दोनों में इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे दो अलग से कक्ष, ट्रंकस आर्टियोसस और साइनस वेनोसस। अब एम्फीबियंस हार्ट की बात करें क्या बताया यहां पर, थ्री चेंबर। बेटा ये दो आर्किल ये है, ये दो आर्किल है और ये टू आर्किल्स एंड वन वेंट्रिकल्स, ये आप देख सकते हो। अब अगर सोच रहे ये क्या है सर, बेटा ये वही साइनस मेनोसस है
जो इसमें पाया जा रहा था, और इस समय आप हर्ट को देख रहे हैं डॉर्सल व्यू से। अगर इसी को हम पलट दें तो इसमें भी ट्रंकस आर्टियोसस आपको दिखाई देगा। देखो कई बार बेटा क्या होता है कि थ्योरी से काम नहीं चलता, अगर आप देख लेते हो किसी चीज को तो दिमाग उसे कैच करता। तो ये डायग्राम मैंने इसीलिए यहां पर बनाई ताकि आपके दिमाग में ये बात फीड हो जाए कि फिश टू चेंबर, एम्फीबियंस थ्री चेंबर। अब रेप्टाइल्स की बात करें, दरअसल रेप्टाइल्स में जो हर्ट होता है वो थ्री एंड हाफ चेंबर होता है। कितना बोला? थ्री एंड हाफ चेंबर। लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखती है? थ्री चेंबर। यहां पर देखो बेटा, एक आर्किल ये, एक आर्किल ये, राइट एंड लेफ्ट आर्किल। वेंट्रिकल्स जो होता है वो पार्शियली दो पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, यानी आधा तो ये बटा हुआ है लेकिन नीचे इसमें बड़ा सा स्पेस होता है, इसलिए इसे हम क्या मान लेते हैं? सिंगल वेंट्रिकल्स मान लेते हैं। अर्थात रेप्टाइल्स में भी थ्री चेंबर है जिसमें टू आर्किल और वन वेंट्रिकल्स पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मैमल्स की, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें या स्तनियों में देखें तो कंप्लीटली मैंने क्या बताया था अभी, क्रोकोडाइल्स, बर्ड और मैमल्स में फोर चेंबर होता है जिसमें बेटा दो आर्किल और दो वेंट्रिकल होते हैं। ये आप देख सकते हो, राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। यहां पर क्या था कि पार्शियली फोर चेंबर कह सकते हो इसको। अब चूंकि एनसीईआरटी इसको फोर चेंबर कहती है इसलिए हम भी कह रहे हैं, इन रियलिटी दैट इज पार्शियली फोर चेंबर। किसमें? रेप्टाइल्स में। तो इस प्रकार अब आप चेंबर एट्रियम और वेंट्रिकल्स में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन की। अब बेटा हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन की। टाइप ऑफ सर्कुलेशन की अगर बात करें तो तीन प्रकार का सर्कुलेशन होता है। पहला होता है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और तीसरा होता है डबल सर्कुलेशन। पहला इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, थर्ड डबल सर्कुलेशन, तीन प्रकार के पाथवे हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पहला तो कि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन फाउंड इन फिश, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फाउंड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, डायरेक्ट हीटिंग। डबल सर्कुलेशन की अगर बात की जाए तो बर्ड एंड मैमल्स। अब बात यह आती है, थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि इसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहते क्यों हैं। देखो बेटा इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं सिंगल सर्किट क्यों बोला जाता है। इस प्रकार के सर्कुलेशन पाथ में यह हार्ट है, हार्ट से ब्लड जो है गिल्स में भेजा जाता है, मछलियों में गिल्स होते हैं ना। अभी जब हार्ट से गिल आया, गिल्स में ब्लड आया तो कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, अनऑक्सीकृत रुधिर हृदय से गिल्स में भेजा गया। अब ये गिल्स से ब्लड, गिल्स ने क्या किया? ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से चल करके कहां पे आ गया? गिल्स से बेटा चल करके आता है बॉडी में, बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। अब फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो गया और हार्ट में भेज दिया गया। तो एक ही परिपथ बनाता हुआ, एक सर्किट बनाता हुआ हार्ट से गिल्स, गिल्स टू बॉडी, बॉडी से हार्ट।
एक ही सर्किट बनाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्किट सर्कुलेशन फाउंड इन द फिशेस। कई बार हम क्या, एक क्वेश्चन और यहां पे आता है कि मछलियों के हृदय को श्री हृदय या वेनस हार्ट क्यों कहते हैं। बेटा वेनस हार्ट कहने का रीजन यह है कि मछलियों के हृदय में कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता ही नहीं है, वेन्स की तरह हमेशा इनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट भी किया जाता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड भी किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड केवल दिल से बॉडी तक ही रहता है। इसलिए मछलियों के हृदय को हम श्री हृदय या वेनस हार्ट कहते हैं और इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कह सकते हो। अब चलिए क्या बात करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। अगर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात की जाए तो यहां पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि गिल्स इसके अलावा लंग्स और स्किन जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें कई प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, कई प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टैडपोल में गिल्स होता है, एडल्ट फ्रॉग में बकल कैविटी, लंग्स और स्किन तीनों के द्वारा रिस्पिरेशन किया जाता है। तो यहां पर हमने सारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स लिख लिए। अब यहां से ब्लड प्यूरिफाई किया गया बेटा, और करने के बाद यहां से ब्लड को लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट आर्किल में भेज देते हैं। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां गया, यहां से ब्लड गया वेंट्रिकल्स में, यहां वेंट्रिकल्स में गया। इस तरीके से ये ब्लड यहां से चल करके वेंट्रिकल्स में चला गया ऐसे। दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, अभी यहां से ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, यहां भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। अब ब्लड यहां से चल करके कहां गया, बॉडी में गया, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां भेजा गया, राइट आर्किल में गया। राइट आर्किल से ये ब्लड, ग्राफ को समझोगे तभी समझ पाओगे, यहां से चल करके ये ब्लड सीधे वेंट्रिकल्स में चला गया, क्योंकि वेंट्रिकल्स यहां एक ही है, और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक आंख से फिर से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भेज दिया गया। यानी कहने का मतलब ये था, इसको इनकम्प्लीट इसलिए कहा क्योंकि वेंट्रिकल्स में आप देख रहे हो कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार का ब्लड यहां पर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, इसलिए ये अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है, पूर्ण नहीं है दोहरा, क्योंकि यहां पर यानी वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार का ब्लड यहां पर मिक्स तो होता है, मर्ज हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड इज फाउंड इन द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आज की आखिरी बात कर लेते हैं, डबल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। डबल सर्कुलेशन फाउंड इन द बर्ड एंड मैमल्स। यहां पर आपने देखा
कि ये हर्ट क्लियरली टू आर्किल और टू वेंट्रिकल्स में इस तरीके से डिफरेंशिएटेड है एस। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन होते हैं, लंग्स होते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले चल करके लेफ्ट आर्टरी में गया, अभी कैसा है, जहां जहां लाल बना रहा हूं वो ऑक्सीजनेटेड है, यहां गया, यहां से कहां आया, ये एल ए है लेफ्ट आर्किल और ये है एल बी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कार्टिकोसिस्टेमिक आर्च या एक वेसल्स के थ्रू ऐसे बाहर निकला इस तरीके से, और यहां से चलकर के ये बॉडी में आया, ये बॉडी में आ गया एस। जहां जहां पे रेड बना हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड का क्या है, यहां से ऐसे गया, फिर यहां गया, यहां से ये गया और ऐसे इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आ गया। तो एक पाथ ये बन गया। दूसरे पाथ में क्या हो रहा है कि पोस्टीरियर वेन केवा से ब्लड यहां आया, अब जो ब्लैक बन रहा वो दूसरा सर्किट बन रहा, एंटीरियर वेन केवा से यहां से अंदर प्रवेश करेगा ऐसे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा एक वेसल्स के द्वारा कह सकते हो, इसको यहां पर लंग्स में भेज दिया गया एस। अब आप देख रहे हो दो अलग अलग प्रकार के पाथ बन रहे, एक रेड वाला अलग है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कर रहा है और दूसरा जो ब्लैक कलर से वेसल्स बनी हुई है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती। तो इस प्रकार मैमल्स में, बर्ड में डबल सर्किट सर्कुलेशन है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन है, और अगर फिशेस की बात करें, पाइसेस की बात करें तो इसमें सिंगल सर्किट सर्कुलेशन पाया जाता है। तो बच्चों इस क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में ह्यूमन हार्ट के साथ।